मुझे फोटो एक ले लीजिएगा। आज पूज्य राजन जी महाराज की कथा का सातवां सत्र था जो कि पूर्ण हुआ। थोड़ा सा प्रकृति की आज कृपा नहीं रही, बावजूद इसके उत्साह में कोई कमी नहीं रही, सभी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। इसी के साथ हम लोग कुछ बातें शुरू करेंगे, उसके पहले हम लोग जय घोष लगाएंगे, जय श्री राम। अब हम पूछते हैं कैसा आज का अनुभव रहा, अभी दो दिन हमारे पास और बचे हैं, और आज किस किस संवाद में मजा आया, आनंद आया, और मौसम का भी थोड़ा रुख कैसा रहा? मेरा नाम बीना पांडे। आज के संवाद में भरत का संवाद मुझे बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। बिल्कुल भैया, आपने जैसे कहा कि मौसम, सरिता सिंह, और मौसम क्या भगवान नहीं भगवान की कथा सुनने आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता। और कहा जाता है जब भगवान खुश होते हैं तभी वृष्टि होती है, ये भी जान लीजिए। तो हम तो कहेंगे साक्षात इंद्रदेव आज आए थे यहाँ पे कथा सुनने, और बहुत अच्छा रहा प्रसंग भरत जी का जो अयोध्या कांड के तहत हुआ था, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही बेहतरीन था। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं संजू श्रीवास्तव। आज का उनका भरत जी का प्रसंग बहुत अच्छा लगा, और भरत जी के प्रति राम जी का स्नेह, और इसमें छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में जो भी उनका प्रसंग चला वो बहुत ही सुंदर और अतुलनीय है। जय श्री राम। मेरा नाम उषा शर्मा है, और अब राजन जी महाराज जी का गुणगान करना तो जितना भी अगर किया जाए तो कम ही है, इसलिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बताया जा सकता क्योंकि सभी लोग बता रहे हैं, इसीलिए इसी के साथ जो है कि जय श्री राम। मेरा नाम पुष्पा दुबे है। आज राजन जी महाराज का राम कथा का सातवां दिन है और बहुत सुंदर कथा लगा। जय श्री राम। मेरा नाम ममता श्रीवास्तव है। आज राजन जी महाराज की कथा का सातवां दिन था। उनका भरत प्रसंग इतना मार्मिक था कि सुन के भाव विहोर हो गए। जय श्री राम। मेरा नाम नीता चौबे, और आज का टॉपिक तो यही था कि भरत मतलब संपत्ति बांटिए पर भाई में बंटवारा मत करिए। जय श्री राम। मैं सुमन त्रिपाठी। आज का संवाद सुन करके बहुत अच्छा लगा, और उनके जैसा संवाद आज तक मैंने कहीं नहीं देखे। जय श्री राम। मेरा नाम संजीता सिंह है। आज का कथा में हमको भरत संवाद बहुत अच्छा लगा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कार्य तो राजन महाराज जी कर सकते हैं। तो जय श्री राम। मेरा नाम निधि त्रिपाठी है। जैसे कि आज हमारे राजन जी महाराज ने कहा कि जैसे हमें संपत्ति बांटनी नहीं, हम संपत्ति नहीं विपत्ति बांटनी चाहिए, ये आज की कथा का सबसे अच्छा लगा मुझे सुन करके, कि आज मेरा यहाँ इलाहाबाद से आना संपूर्ण हो गया, सफल हो गया। जय श्री राम। मैं रिंकी। आज राजन जी महाराज जी के श्रीमुख से हम लोग भरत मिलाप की कथा सुने, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अगर बांट सकते हैं तो भाई के साथ संपत्ति न बांट करके उसकी विपत्ति बांटे। मेरा नाम कुमार चौबी है, मुझे महाराज जी पसंद है। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम प्रांजल यादव है। मेरा नाम रौनक दुबे है। मैं जय श्री राम। बहुत सुंदर। जय श्री राम। जय श्री राम। कल के प्रसंग में फिर आइएगा। भरत प्रसंग के बाद जो है कल जो है किष्किंधा कांड और सुंदर कांड होना है, और यह देखिए भव्य पंडाल है। पूज्य राजन जी महाराज की कथा का सभी आनंद ले रहे हैं। श्री देवेंद्र केसरी के भगीरथ पुरुषार्थ का यह फल है कि यहाँ पर भगवान श्री राम की कथा की सरिता अविरल 9 दिन जो बहना तय हुआ है उसका 7वां दिन पूरा हो गया है, और इसी तरीके से 11 तारीख को कथा विश्राम होगा, 12 तारीख को विजयदशमी के दिन भव्य भंडारा होगा। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लेने उस दिन आइएगा, और किसी प्रकार का उस भंडारे में आप सामग्री का पैसे का सहयोग देना चाहें तो वह भी जरूर करिएगा। माता अन्नपूर्णा आपको प्रसन्न और समृद्ध खुशहाल रखेंगी। इन्हीं बातों के साथ जय श्री राम।